गाइस देख रहे हो दिल्ली के पहाड़ है ये, ऐसी हुई पड़ी है गाइस, क्या बताएं आपको। सेब लगे हुए हैं ये देखो। हेलो गाइस, दिस इज मार्टिन शोमैन, यू वाचिंग साइकिलिंग और नथिंग। और गाइस आज इतने दिनों के बाद मैं फिर आपसे जुड़ रहा हूँ यार, मेरे हाथ में दिक्कत हो गई थी तो वही है, मतलब अब मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आपसे जुड़े हुए तो फाइनली आपसे जुड़ते और आपको कहीं लेके चलते, तो आज मैं लेके चल रहा हूँ आप सबको मनी महेश की यात्रा करवाने और आपको सारा बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अभी फिलहाल तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो वहाँ रुकूंगा एक रात, तो जैसे भी होता है आप मेरे साथ चलो, आपको दिखाता हूँ। और अभी फिलहाल दिल्ली मतलब घुसा ही हूँ, तो देखते हैं फिर जैसे भी होता है, आप मतलब बने रहना है ना, इतने दिनों बाद जो मिल रहे हैं तो क्या नाचो मैं। गाइस एक ये मैं और एक ये दिल्ली का जाम, बस ये कहाँ पहुँच गया हूँ मैं, देख लो आपके सामने ही चल रहा है ना मैप, मुझे भी नहीं पता, मेरे को बस आश्रम तक का रास्ता पता है, वहाँ से आगे मुझे घंटा कुछ नहीं पता, बाकी आपके सामने ही है, देख लो मैंने मैप लगा दिया, अभी चंडीगढ़ पहुँचने में दिखा रहा है 5-1 घंटे के करीब, बस देखो बस ये दिल्ली से निकल जाऊँ फिर तो खींच लूँगा बाइक। गाइस देख रहे हो दिल्ली के पहाड़ है ये, दिल्ली के पहाड़, दिल्ली में भी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ हर जगह पहाड़ तो होते ही है, देखो फरीदाबाद में रावली हिल्स हो गया, यहाँ ये हो गया, कौन सा लिटर हिल्स हो गया। तो गाइस फाइनली मैंने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है और मैं मैकडे रुका हूँ और यहाँ से ऑलमोस्ट 120 या 130 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, मतलब जहाँ मुझे जाना है, और बस यहाँ से हम भी हमने बर्गर वगैरह मंगवाया है, फिर खा के आगे निकलते हैं और आपको बताते हैं। और ये मतलब मैंने हेलमेट पे लगाया हुआ है मैं ये कैमरा, तो मैंने कहा मैं बार बार क्या निकालूँ इसलिए ऐसी आपको दिखा रहा हूँ, और ये बाहर का भी देखा, अंधेरा हो ही गया फाइनली, बाकी आप चलो मेरे साथ दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली नए दिन की सुबह हो गई और आज हमारे निकलने का टाइम आ गया, बस रात को मैं पहुंच गया था तो थोड़ा मतलब थक गया था तो इसलिए सो गए हम बहुत जल्द, और ये हमारे साथ है द ट्रैवलर ड्यूक, मतलब ऐसे नाम है भाई का हितेश, कुछ बोल भी लो भाई। अरे भाई द ट्रैवलर भाई ने हमें स्पेशली बुलाया है, वो मैं मतलब डाल दूंगा लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इस पर भी पूरा ब्लॉग हम लोग दिखाएंगे। अभी हम चलेंगे कहां? मनी महेश जा रहे हैं जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं, और अभी फिलहाल हम भरमौर जा रहे हैं पठानकोट से होते हुए, तो आपको भरमौर पहुंच के दिखाते भी और बताते भी है कि यहाँ वैसे तो देखो पठानकोट अगर आप ट्रेन से आओ या जैसे भी आओ प्लेन से आओ तो वहाँ से फिर आपको 200 किलोमीटर पड़ जाएगा भरमौर, पर वो तो हम ऐसे चटक है थोड़े, तो इसलिए हम चंडीगढ़ से होते हुए निकल रहे हैं अकेले दोनों भाई, तो बस भाई ये भाई की बाइक, ये हमारी बाइक, और बस चलो फिर दिखाते हो। चंडीगढ़ से निकलते हुए मैं और द ट्रैवलर ड्यूक श्वेता रेडी टू रो, 9-10 घंटे लगेंगे। गाइस अभी तो हम चंडीगढ़ से भी निकले, अभी तो लगा लो यहाँ से लग जाएगा ऑलमोस्ट 9 घंटे का सफ़र है हमारा बचा हुआ, और भरमौर जा रहे हैं अब यहाँ से पठानकोट से, उसे तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं आपको सारा बताऊंगा ही, तो आप इस वीडियो को ना एंड तक देखना ताकि आपको सारा मतलब पता चलता रहे। और ये मतलब जो है ना ये मनी महेश, ये मतलब साल में कुछ ही दिनों के लिए खुलती है, जन्माष्टमी से लेकर अष्टमी तक, बट इस बार ही 23rd September तक ही है, तो बाकी देखते हैं। वैसे आप मतलब अनऑफिशियली भी कर सकते हो, बट मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अनऑफिशियली यात्रा करो, क्योंकि वहाँ पे मतलब आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी ऊपर, बट करने वाले तो सब कुछ करते हैं, क्यों भाई। अभी लास्ट 22 तारीख का क्या यात्रा, बस 23 अपने अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ देगी। हाँ भाई भाई तक है एक ही बात है। गाइस बारिश शुरू हो गई और हमने ले लिए पूरे अपने अवतार। ये देखिए गाइस ये अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और ये देखिए पूरा सज सज गए हैं, और ये ईशु भाई हमारे बारिश की वजह से थोड़ा भाई ने तो रेनकोट वगैरह भी नहीं है भाई के पास, इनका तो सिस्टम है से ना हो पा रहा है। देखते गाइस जैसे भी स्थिति बनती आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। हाँ भाई क्या क्या खाओगे, गोलगप्पे गोलगप्पे खाएंगे मन्नू, मन्नू ऐसी हुई पड़ी है गाइस, क्या बताएं आपको, नेता क्या बताएंगे कैमरा ऑफ होते
गाइस हम फाइनली हमने ब्रेक ले लिया है यहाँ पर, ये वैष्णो ढाबा रुके हैं हम। पठानकोट से कितने किलोमीटर दूर है? 40-50 किलोमीटर रह गया पठानकोट। भूखे बने भाई, नान 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 ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। एंड में आके हम लोग सोच रहा था बहुत देर से कि ये बोलना है, पर ठीक है, बहुत अच्छा बोला भाई। अंधेरा हो गया, अब तो आपको कुछ नहीं दिखना। तो अब जहाँ तक मैं देखता हूँ आपसे शायद सुबह ही मिलेंगे सब व्यू के साथ, अब यहाँ पे क्या ही देखेंगे। पर मैं आपको ये बता दूँ की यहाँ से 40-50 किलोमीटर है पठानकोट, और फिर वहाँ से 180 किलोमीटर है भरमौर। तो अब जब तक हम पठानकोट, आप देख ही लो यहाँ पूरा अंधेरा हो ही गया है, तो पठानकोट पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो पहाड़ तो आप रहने दो अभी देखने के, तो बाकी मैं आपको फिर देखता हूँ, अगर बीच में कुछ ऐसा देखने लायक आया तो आपको दिखा दूंगा, वरना फिर आपसे सुबह ही मिलता हूँ। ठीक है गाइस, बर्फ पड़ रही है यहाँ पे है भाई साहब। चंडीगढ़ से 2 बजे हम लोग निकले थे, सच सच बताएं सुबह के 3 बज गए हैं। अभी के 2 बजे, अब 4 बजे, 2 घंटे में यहाँ लगाती सुबह के 3 बज गए, अभी तक हम लोग मणिमहेश नहीं पहुँचे भाई। 4 घंटे का रास्ता नहीं है, 10-15 घंटे का रास्ता है। शर्म आ रही है भाई? ये बढ़िया बोल दिया अगले ने, शर्म जो बोल दिया। नया दिन शुरू, और हम निकल गए अपने भरमौर से अपने होटल से, और व्यू तो मैंने आपको इससे पहले शॉर्ट में दिखाई दिया, और आप ये देख लीजिए। और ये हमारे हितेश भाई, और ये हमारे ईशु भाई, और ये हमारे मुकेश भाई, और ये हमारे मार्तन भाई। बाकी गाइस अभी हम आपको यहाँ से ब्रह्माणी माता के मंदिर लेके चल रहे हैं, आपको यहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। पर ये मान्यता है कि मतलब अगर आप मणिमहेश की यात्रा करें आके, तो मतलब अगर आप यहाँ ना जाए पहले तो वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। बाकी दिखाते हैं आपको क्या है कैसे है पहले। हाँ पहले मतलब यहाँ पे स्नान करना होता है, और फिर मणिमहेश में। बाकी जैसे भी होगा आपको ना साथ साथ बताते चलेंगे, तो आप बने रहो, मज़ा आएगा आपको। और ये फिलहाल व्यू देख लो, और ये गाइस ना सेब लगे हुए हैं, ये देखो ये खराब हो चुके हैं, पर है तो सेब ही खराब, सेब है बट गाइस सेब है। पर ठीक है गाइस, अब आपको फिर दिखाते हैं साथ साथ। गाइज ये देखिए, ये मंदिर है, मैंने आपको इससे पहले जो शॉट दिखाया वो अंदर का मतलब व्यू था हल्का सा मंदिर का, मैं और इससे अंदर का नहीं दिखा सकता। और ये आसपास का व्यू देख लो, ओ भाई साहब। और ये हमारे ईशु भाई, अब हम जाएंगे मणिमहेश। हाँ अब मणिमहेश इस साइड आगे, बताओ सूरज अगेंस्ट द लाइट है इस साइड आओ। अब हम जाएंगे मणिमहेश, मणिमहेश में मणिमहेश जाने के लिए हमें पहले 13 किलोमीटर हट कर जाना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा वहाँ पे, बाइक पहले बाइक लगा के फिर आगे। हाँ उसके बाद हम अपने मणिमहेश पहुँच जाएंगे। और गाइस ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ मतलब आना ज़रूरी है अगर आप मणिमहेश आए हैं तो, क्योंकि आपका वो है कि मतलब इनकम्प्लीट मानी जाएगी यहाँ की ना मान्यता है कि इस मंदिर में आके स्नान करो, वरना इनकम्प्लीट मानी जाएगी आपकी मणिमहेश की यात्रा। बाकी मैं आपको ना लिख भी दूंगा इस पर, मतलब टेक्स्ट भी डाल दूंगा कि इस मंदिर का प्रॉपर नाम क्या है, और लास्ट में आपको सारा ना हिस्ट्री भी बता दूंगा एक बार, तो आप पूरा देखना। हम पहुंच गए, अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं मणिमहेश का। ये देखिए हमने स्टिक्स ले ली है, मतलब खरीदी क्या पड़ी हुई थी उठा ली, तो हमने सोचा क्या खरीदे। और ये देख लीजिए पूरा आपको
इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आप यहाँ जा सकते हो और कैसे कैसे यहाँ पे मतलब किस किस हिसाब से प्राइस है यहाँ पे। और ये देखिए, ये पकड़िए एक बारी भाई, ये हमारे हितेश भाई। और भाई मज़ा आ रहा है एकदम। ये देखिए गाइस, ये और यहाँ में ना ये देखिए लोग आ रहे हैं हमें यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और ये थ्रू आउट ना मतलब इसके साथ ही चलेगी है। और बाकी आसपास का व्यू देख लीजिए, ये लोग कई लोग करके आ गए, कई लोग करने जा रहे हैं। और ये देखिए पहाड़ में, हाँ लास्ट दिन है आज, बट ये है कि अनऑफिशियल भी ना लोग कर लेते हैं ऐसा नहीं। और मैंने आपको ये चीज़ तो बताई थी कि हेलीकॉप्टर से भी आप यहाँ आ सकते हो, पर पर्सन मतलब लगा लो आना जाना 6,500-6,000 रुपये के करीब, वो तो यार हर जगह यही होता है। और गाइस ये हमारा ट्रैक शुरू हो गया है, गाइस क्या बताऊँ, मतलब मैं ट्रैक पूरा कर लिया, मतलब पूरा तो क्या ही कर लिया, मेरे हिसाब से पूरा तो हो ही गया था बहुत पहले, पर अब धनचो पहुँचे फिलहाल हम। अब यहाँ से कितनी देर, 2-3 घंटे 5 घंटे ऐसे ही आसपास कुछ बचा है, और ये रात को ही कह रहे करने के लिए, अभी 9 बज रहे और अंधेरा देख लो बाहर, यहाँ पे पूरा खाने वाने का सिस्टम हो रहा था, ये देखो ये पूरा जो दिख रहा है अंधेरा बढ़िया तरीके से हो गया। और मुकेश भाई, भाई तो ट्रैकर है यार, मैंने भाई को बता दिया मैंने भी ट्रैक कर रखा है, पर फिर मैंने ये नहीं बताया था कि 2016 में किया था। बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव है क्या, ब्लड ग्रुप है मेरा, ब्लड ग्रुप है क्या, ठीक है गाइस अब देखते हैं। अब आपको कुछ मतलब अंधेरे में कुछ दिखा तो पाएंगे नहीं ना बातचीत का भी, अब क्या ही करोगे, मेन तो आपको व्यू ही देखना है, तो आप ऊपर चलो हमारे साथ, आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं सनराइज का हो पाया तो, सनराइज भी बाकी माउंटेन्स जो ऐसे दिखाया उससे और थोड़े हाई लेवल, तो आप बने रहिए यार। वैसे हाई कर देते आप भी, क्या हाल है, ये छोड़ के भाग गए थे मुझे, दूर से फ्लैश दिखा रहे हैं, 150 लोग मेरे को कह रहे हैं, मेरे तूने देखा नहीं था, कैसे देखूँ मैं, पर चलिए कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये हमारे टूर गाइड है इशू भाई हमारे, हमें पता नहीं था ये राज खुला है नया हमारा। अरे पागल हो गया, वो क्या दिखा दे, हाथ में असला है, ठीक है गाइस। अब बस ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता यार, अरे मैं चढ़ तो ऐसी जाता पर इन्हें क्या बताऊँ, अब मैं इनके आगे दिखावे कर रहा हूँ, अभी वापसी फिर करूंगा थोड़े से, पर चलिए ठीक है। एक तो यार ये चंडीगढ़ के जो ये है ना रेड लाइटें हैं ना, भगवान की कसम तंग कर देती है सही में। ये देख भाई कह रहा है अपनी ऐसे ऐसे कराओ, मनी महेश जा रहा है गाइस, और ये देख लीजिए क्या कर रहा है यहाँ सड़क पर खड़ा होके, कर अब क्या हो गया, शर्मा मत कर, छुपा मत, लोगों को दिख चुका है वो, हाय कर ले, हाय हाय करने की कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं करने की कह रहा हूँ। कहाँ क्या हुआ,